आगामी त्यौहार को देखते हुए करहरा तहसील के सभागार में एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक रखी गई। इसमें नवरात्रि के पर्व को लेकर लाइट, साफ सफाई, माता रानी के पांडाल, विसर्जन, डीजे बजाने के संबंध में आयोजकों एवं गणमान्य नागरिकों से चर्चा की गई। अहम निर्णय यहां पर लिए गए। समाज वर्ग को देखते हुए जनता से जुड़ी समस्याओं से संबंधित निर्णय भी यहां पर लिए गए। इसमें मुख्य रूप से तेज ध्वनि वाले डीजे साउंड बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर किसी ने डीजे बजाया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयोजक माता रानी के पंडाल में दो लोगों की व्यवस्था करके रखे जो 24 घंटे पांडाल में रहें, जिससे अव्यवस्था ना फैले। नगर परिषद से बाबू मुजीब खान, सफाई दारोगा सुभाष नरवारे को साफ सफाई को लेकर निर्देशित किया गया। दशहरा वाले दिन काली माता विसर्जन को लेकर भी पुलिस प्रशासन को विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। करेरा एसडीओपी संजय चतुर्वेदी ने आयोजकों से कहा कि आप लोग भी प्रशासन का सहयोग करें। थाना प्रभारी सतीश सिंह चौहान के द्वारा सभी से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की गई। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी अभिनेत्री श्रीमती दयवंती मिश्रा और जेई महेंद्र सिंह जाट, पार्षद असलम खान, आयोजक नवदुर्गा सेवा समिति संतोष शर्मा, दद्दा जनपद सदस्य सूरज भान के साथ दिलीप यादव व पत्रकार गण उपस्थित थे। क्या इस बार जो माता भी विसर्जन में कार्यक्रम होना है, क्या उस पर किसी प्रकार की शासन द्वारा या प्रशासन द्वारा उन पर कोई लगाम लगाई जाएगी? निश्चित रूप से जो प्रशासन का काम यहाँ सजेस्टिव भी होता है, सुधारात्मक होता है, ये दोनों तरफ की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि इस काम में प्रशासन भी हो और समाज के लोग वो लोग भी काम आए, कभी कभी उनका भी सतत सहयोग मिले। पिछली बार भी गणेश उत्सव के समय भी हम लोगों ने, शायद आपको याद होगा, इवन देन डीजे के जो काम करते हैं डीजे पर उनको भी बुला करके बोला गया था, नसीहतें दी गई थी। तो पता नहीं, हो सकता है कि दोस्तों की वजह से बड़ा जोश होता है तो नहीं होता है। फिर भी इस बार करेंगे और वो रहा, इस बार भी हमने लोगों को समझाइश दी है। इसमें आवश्यकता है कि उनको बॉन्ड ओवर करने की आवश्यकता पड़ी तो उनको बॉन्ड ओवर करेंगे। सर, जो बॉन्ड ओवर कार्रवाई के लिए जो